छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले के जांच को लेकर पहुंचे राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग अध्यक्ष। निचितपुर तेतुलमारी थाना अंतर्गत 10 जून को सेंट जेवियर स्कूल की 10वीं की छात्रा को शिक्षिका द्वारा थप्पड़ मारे जाने और तिरस्कृत किए जाने से आहत होकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला, जिसकी गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो तेतुलमारी पहुंचे। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव सहित आयोग के कई सदस्य भी इस मौके पर शामिल रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य शशांक राज के शिकायत पर ये यहां जांच में पहुंचे हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर से बागमारा डीएसपी निशा मुर्मू भी मौके पर मौजूद रही। मामले में डीसी द्वारा गठित टीम के नेतृत्वकर्ता बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति भी इस मौके पर मौजूद रहे। जांच के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले से जुड़े पहलुओं को जाना। वहीं मामले से जुड़े तेतुलमारी थाना से संबंधित पुलिस अधिकारियों और मृतिका के शव के पोस्टमार्टम में शामिल चिकित्सक टीम से भी कई बिंदुओं पर बात की गई। पत्रकारों से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर कहा कि आत्महत्या मामले के प्रशासनिक कार्रवाई में कई त्रुटियां पाई गई है। साथ ही तेतुलमारी थाना के जांच टीम पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस द्वारा स्कूल प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा स्कूल प्रबंधन को बचाने का प्रयास किया गया है, इसलिए जांच अधिकारी को बदलने का निर्देश भी दिया। वहीं डीसी द्वारा गठित जांच टीम पर कई सवाल उठाते हुए कहा कि दोषी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही दर्शाती है, और ऐसे में जांच टीम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का होना जांच को प्रभावित कर सकता है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होने के कारण सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ जिला शिक्षा पदाधिकारी को धोखाधड़ी का प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश भी दिया। वहीं कड़े शब्दों में यह भी कहा कि बिंदी लगाना, माला पहनना जैसे धार्मिक प्रतीकों को भी कोई स्कूल रोकता है तो उस पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शशांक राज ने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए भी कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार का पुरजोर विरोध भी करेंगे। जांच उपरांत बागमारा सीओ भी मौके पर मौजूद रहे। हमने बोला था कि स्कूल जाने का। आप क्या हैं? मैं वीडियो बागमारा। कौन बताया था कि स्कूल जाएंगे? सर जिला से ही मुझे जानकारी। अच्छा, तो कहा जाएगा तो बच्चों को छोड़ दीजिए। जो बच्चे हमसे बात करना चाहते हैं उनको बुला लीजिए यहाँ पर, ताकि हम स्कूल जाके क्या करें। मृत्यु के संदर्भ में आज जांच के लिए मैं आया। मेरे साथ राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष श्रीमती काजल जी और राज्य बाल आयोग के सदस्य सुनील जी उपस्थित रहे। हम लोगों को दिल्ली में श्री शशांक राज जी ने शिकायत करके इस घटना के बारे में अवगत कराया था। शिकायतकर्ता भी यहाँ मौके पर मौजूद रहे। हमने जाकर बच्चे की माँ से बात की, बच्चे के भाई और बहन से बात की, उसकी साथ पढ़ने वाली सहेली से बात की, हमने बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों से बात की। डीएम ने जो एक जांच कमेटी बनाई है बीडीओ और बीओ की, उनसे बात की, जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, इस घटना के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात की। हमारी जो प्राथमिक ऑब्जर्वेशन है उसके अनुसार पुलिस के द्वारा की गई कार्यवाही में कई सारे प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। पुलिस ने आरोपियों का पुलिस अभिरक्षा का आवेदन न्यायालय में नहीं लगाया। घटना के अगले दिन सवेरे 10 बजे हमको बताया गया कि पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया, लेकिन उन दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में रखने की डिमांड पुलिस ने न्यायालय से नहीं की। ये घटना जैसा कि मीडिया के साथी जानते हैं, बच्ची को
बिंदी लगाने से रोकने पर स्कूल में शिक्षक द्वारा पीटा गया। बच्चे की माँ ने जाके जब प्रिंसिपल से गुहार की तो प्रिंसिपल ने ये कह दिया कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल लो और उसको अनेक प्रकार के अपशब्द बोले जो उसकी माँ ने हमको बताए। बच्चे के पिता का देहांत हो चुका है। यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि अनुसूचित जाति वर्ग के इस परिवार के पास सरकार ने आज तक उनके अनुसूचित जाति का होने का प्रमाण पत्र नहीं पहुंचाया। इस केस में भी अनुसूचित जाति निवारण अधिनियम जो है उनकी धाराओं की कार्यवाही एट्रोसिटी एक्ट की कार्यवाही नहीं की गई। इस पूरे मामले में जो तथ्य एक और सामने आया वो ये कि स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है। इसमें जिला कलेक्टर की ये लापरवाही सामने आई है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल का चलना ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की कार्य प्रणाली पे संदेह उत्पन्न करता है और इस मामले में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को बीडीओ के साथ जांच का प्रभार दे दिया गया। ये अपने आप में जिला कलेक्टर की जांच को संदेह में डालता है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो बीडीओ महोदय ने हमको ये बोला कि बच्ची के माता और उसके भाई बहन परिजन यहाँ नगर में नहीं रह रहे हैं। ये झूठ था। हमें शिकायतकर्ता शशांक राज ने यह अवगत कराया कि बच्ची की माँ उसी घर में है जहाँ उसने आत्महत्या की और हम लोग वहाँ जाकर उनसे मिल करके आए। पुलिस की जांच में घटना स्थल का मौका नक्शा भी अभी तक नहीं बनाया गया। ये बेहद गंभीर किस्म की लापरवाही है। हम सरकार को निर्देश देंगे कि जांच अधिकारी तत्काल बदला जाए, जिम्मेदार अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए, पुलिस अभिरक्षा की डिमांड की जाए, मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। चूंकि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली बालिका है इसलिए सरकार की योजनाओं के तहत जो मुआवजा बनता है वो उसको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उसकी माँ की पेंशन भी शुरू नहीं हुई है, उस मामले में भी हम BCCL को निर्देश जारी करेंगे। बच्चे को जो उसके दो भाई बहन हैं उनको सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ मिलना चाहिए, इस मामले में भी हम दिशा निर्देश जारी करेंगे। यहाँ के सेंट जेवियर स्कूल के द्वारा तो छात्रा उषा कुमारी 10वीं क्लास की छात्रा को जो अनुसूचित जाति समाज से आती है ऐसे छात्रा को अपमानित किया जाता है। अपमानित क्यों किया जाता है? बिंदी लगाने को लेकर। राज्य में, झारखंड राज्य में ऐसा कौन सा कानून है कि हम बिंदी लगा के स्कूल नहीं जा सकते? ये पहला सवाल का जवाब माननीय शिक्षा मंत्री जो भी है झारखंड में, एक तो लापता है शिक्षा मंत्री, आपको भी शायद पता नहीं होगा इस राज्य के शिक्षा मंत्री अभी हैं कौन, और दूसरा इस राज्य के शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए कि बिंदी लगाना इस राज्य में कहाँ से असंवैधानिक है। बिंदी लगा कोई लगाती है कोई छात्रा तो उसके साथ क्या अत्याचार होगा, उसके साथ क्या शोषण होगा। दूसरी, जिस प्रकार से घटना घटी है और घटना घटने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने रोड जाम किया तब न्याय मिला है, तो यहाँ के समाज के लोगों को, संगठन के लोगों को, सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आपके वजह से न्याय मिला है। प्रशासन पूरी तरह से मिलीभगत करने का प्रयास कर रहा है। थाना प्रभारी का रोल असंवैधानिक है, थाना प्रभारी जी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं शुरू से। आने वाले समय तक हम अंजाम तक इस मामले को पहुंचाएंगे, बच्ची को न्याय मिले इसके लिए भाजपा परिवार पूरे बच्ची के साथ है। और जब तक चूँकि इस राज्य में केवल बालू और कोयला की सरकार चल रही है, राज्य में शिक्षा का लेकर कोई ध्यान देने वाले नहीं है, इस राज्य में शिक्षा मंत्री कौन है ये आपको सरकार से पूछना चाहिए कि इस राज्य का शिक्षा मंत्री है कौन जो ऐसे चीज़ों पर बयान नहीं आता है और एक बच्ची का देहांत हो जाता है किसी प्रशासन के रवैये की वजह से और इस राज्य के शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आता। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड में कि राज्य का शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले पर कोई बयान नहीं दे रहा है। इस प्रकार से
जो असंवैधानिक स्कूल जो जिला में चल रहे हैं इसको लेकर बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि बंद करने के लिए, क्योंकि इस घटना की पुनरावृत्ति इस जिले में वापस, इस प्रदेश में वापस ना हो, इसके लिए हम सब तत्पर हैं और लगातार इस सबको लेकर आंदोलन करेंगे और मामले को पूरा अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और प्रशासन किसी भी प्रकार के अगर हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ने का प्रयास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन को चेतावनी देंगे। क्या गैर मान्यता प्राप्त है स्कूल, ट्यूशन कोचिंग सेंटर टाइप के, इसको बंद कराने का भी हम सब काम करें। एक चीज बताएंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, इसी स्कूल की बात करें तो ये भाजपा के सरकार में भी ये स्कूल थी, उस समय क्यों नहीं? अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा प्रभु जी प्योर फूड। चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।